टीम इंडिया की मुश्किलें और बढ़ गई। रोहित शर्मा के हाथ में हुआ फ्रैक्चर, टीम से बाहर होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मुकाबले में कैच लेने की कोशिश पड़ी भारी, अस्पताल भेजना पड़ा। टीम इंडिया के लिए चोटिल खिलाड़ी बने सरदार, कई चोटिल खिलाड़ी घर जा चुके, कुछ जाने की तैयारी में। भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा को फील्डिंग के दौरान हाथ में चोट लग गई, तुरंत एक्सरे के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। उनकी चोट गंभीर बताई जा रही है और लगभग ये तय है कि वे अगले कई दिनों तक मैदान से बाहर रहेंगे। मैच का 9वां ओवर शार्दुल ठाकुर फेंक रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं लग पाई और बाहरी किनारा लेते हुए पीछे की ओर गई। स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने इसे पकड़ने की कोशिश की, पर गेंद की स्पीड काफी तेज थी। बॉल उनकी हथेली में अंगूठे के पास लगी, वो कैच तो नहीं ले पाए लेकिन दर्द से कराहने लगे। उन्हें ग्राउंड से बाहर ले जाना पड़ा। बाद में चोट की गंभीरता को देखते हुए एक्सरे कराने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित के चोट लगने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि रोहित की चोट जितनी दिख रही है उससे ज्यादा गंभीर है और वे न केवल इस मैच से बल्कि आने वाले कई मैचों से टीम से बाहर हो सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में डेब्यू करने वाले कुलदीप सेन भी पीठ में खिंचाव के कारण दूसरे वनडे से बाहर हो गए थे। 26 साल के मध्य प्रदेश के इस गेंदबाज को पहले वनडे के बाद मैच से बाहर करना पड़ा। मेडिकल टीम ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है, वे ऑब्जर्वेशन में चल रहे हैं। वहीं मोहम्मद शमी भी चोट की वजह से बांग्लादेश के दौरे से बाहर हो गए थे। शमी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के हिस्से थे और प्रैक्टिस के दौरान कंधे में उन्हें चोट लग गई थी। शमी ने अस्पताल से फोटो भी शेयर किया और कहा था कि वे जल्द ही वापसी करेंगे। इसके अलावा भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी चोट की वजह से ही बांग्लादेश दौरे से वापस भारत भेज दिए गए। देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए इंजरी एक सरदर्द बन चुकी है। रोहित और कुलदीप सेन की इंजरी से पहले मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा सीरीज से बाहर हैं। ऋषभ पंत एक नाम और भी हैं, तो इस तरह कई खिलाड़ी इंजर्ड हैं और कई इंजर्ड होने की कतार में दिखाई दे रहे हैं। टीम इंडिया की खिलाड़ियों के चोटिल होने पर आप क्या सोचते हैं? रोहित शर्मा के मैदान से बाहर जाने से क्या टीम को नुकसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।